बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारा जो है वो 8वां लेक्चर है, ठीक है। तो ये कल हमने पढ़ा था लीस्ट काउंट, पढ़ा था ना लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन या टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल 1/10, तो 0.1 मिलीमीटर। ये क्या आया? 0.01 सेंटीमीटर। जी क्या कहते हैं? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर, मैंने पूछना था कि वर्नियर कैलिपर्स की डायग्राम बनानी थी। अभी ठहरो ना, मैं अभी सारा आज बताऊंगा ना क्या करना है, ठीक है। जी सर, वैसे मैंने सारा लिख लिया था, डायग्राम नहीं बनाई थी। वहां बनानी है, लेकिन ये आप आएंगे एक प्रैक्टिकल भी आपको मैं कल लिख के लाऊंगा सारा। तो आज मैं काफ़ी चीज़ें समझा देता हूँ ना, बाकी जो रह गई तो वो आप फिर उसमें जो है ना वो सारा अलहदा लिखेंगे कॉपी पे, लेकिन प्रैक्टिकल कॉपी पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है, मुझे तो पता नहीं है, छुट्टी के बाद स्कूल खुल जाए फिर वहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे। और जो अभी आप किसी अच्छी की कॉपी पे उसको लिख के रख लें, ठीक है। सर और मेरे पास जैसे लिखा ही, हुआ हाँ है सारा कुछ, सर कह रहा हूँ लिखा हुआ है सारा कुछ मेरे पास। नहीं बिल्कुल, तुम्हारे पास बेटे लिखा हुआ है ना, मैं सबको कह रहा हूँ प्रैक्टिकल के लिए जिस स्टाइल में लिखना है ना वो भी मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, कैसे लिखना जी सर, है। बिल्कुल है ना, कोई एग्जाम में आ जाता है आपको पॉइंट लिस्ट पूछता है ये इसमें क्या है, वो तो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे लिखना है वो अभी मैं आपको ये समझाने के बाद बताऊँ, ठीक है। रायान जी सर, थैंक यू क्या कहते हैं? नहीं, सर। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। वो अब ठीक आ रही है? जी सर, और पहले भी सही थी, वो बच्चे को तो सुनाई दे रही है, आपका कोई माइक का मसला तो नहीं? नो सर। अच्छा चलो, अभी मैं इसको माइक को करीब कर लिया मैंने। अच्छा ये जो है ना हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास दोनों स्केल मिले हुए हैं। क्या है? दोनों स्केल मिले हुए हैं, एक ये मेन स्केल है, दूसरा वर्नियर स्केल। 0 से 0 मिला हुआ है तो इसमें कोई एरर नहीं है। क्या है? कोई एरर नहीं है, बात समझ आई? तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एरर फ्री, लेकिन इन सब में ही एरर नहीं होती, क्योंकि जॉज से जॉज मिल जाता है आगे, तो जब आप लैब में देखें किसी में एरर नहीं, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, जब आप प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना इसका, तो आप पहले देखेंगे इसमें एरर है, वो एरर जितनी वो नोट करके रख लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं जी, ये देखें ये एरर हमारे पास इसमें है, ये पीछे रह गया है। क्या रह गया है? पीछे रह गया, जो मेन वर्नियर स्केल है मेन स्केल से पीछे रह गया, और यहाँ पे आप देखें ये आगे चला गया। आगे वाले को आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? आगे वाले को पीछे लाएंगे ना, और पीछे वाले को आगे ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लेकिन ये आपने क्या करना है, इतना माइनस कर देना है, तो फिर वो पूरा आएगा। इधर देखें, ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है पॉजिटिव लिखा हुआ बच्चों? जी सर, आ रहा है लेकिन ये आपने इतना पॉजिटिव का मतलब ये बढ़ गया है। सर। क्या ये बढ़ गया है? आपने इतना माइनस करना है, ये ख्याल कीजिएगा, जो पॉजिटिव है उसको माइनस करना है, जो मेन रीडिंग है। अभी मैं रीडिंग भी लेके दिखाता हूँ एरर क्या है। और ये जो हमारे पास आगे बढ़ गया है ना, ठीक है, तो इसको आप पीछे करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इतना समझ आई? लेकिन यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, आपको ऊपर नेगेटिव नजर आ रहा है, नीचे भी नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन आप ये आगे चला गया तो आपने इसको पीछे करना है। पीछे करने को इतना जो है वो आपने इसमें ऐड कर देना है, जो नेगेटिव है उसको ऐड किया जाता है मेन रीडिंग में, जो पॉजिटिव है उसको क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये ख्याल कीजिएगा आप, ठीक है। अभी मैं इसको जो हल कर दूंगी। अच्छा जी, कहाँ गया? अच्छा जी, ये देखें,
अब पहले में तो आप यहाँ पे कोई जीरो एरर जीरो है, कोई मसला नहीं है। क्या है? कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे वाले में लेते हैं ना, ये पीछे रह गया है, यानी इसमें रीडिंग बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? रीडिंग बढ़ जाएगी ना, तो आप क्या, जब आप इसमें वो रखेंगे तो इतना आप माइनस कर देंगे। अच्छा, आप देखें पहले कौन सी लाइन मिल रही है। तो आप ये देखें, इसने निशान लगाया, सेवंथ लाइन जो है वो मिल रही है, ये नीचे वाले, ये 5 6 7, तो 7 के ऊपर निशान है। क्या है? 7 के ऊपर निशान है, तो सॉरी, तो आप क्या करें कि यहाँ पे आप 7 लिखे। इधर गया भाई, ये मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। अब इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना। लीस्ट काउंट आपको पता ही, आपने शुरू में लीस्ट काउंट मालूम की है, 7 का और लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.01। तो ये एरर इसमें कितनी है? 0.07, ठीक है बच्चों, ये एरर आ जाएगी इसमें। क्लियर? ये हमारे पास एरर है इसमें। तो अब आप क्या करेंगे, ये ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो जाएगी, उसको माइनस कर देंगे। इधर आपने देखें पॉजिटिव लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, नीचे भी वो कह रहा है कि एरर इज पॉजिटिव, यानी ज्यादा है, आप कम करेंगे। पॉजिटिव का मतलब उसमें बढ़ गई है। जब आप इसमें वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तो वो और ज्यादा हो जाएगा, जाहिर है इतना तो बढ़ेगा, तो आप उसको क्या करेंगे? कम करेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे। जो पॉजिटिव एरर होती है उसको माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है? माइनस। माइनस हाँ ठीक है बच्चों। और इस तरह से अगर हम आगे चलते हैं, ये देखें अभी आगे चला गया है, तो इसको आप क्या करेंगे कि देखेंगे पहले कि कौन सा है, तो आप इसको प्लस करेंगे। अच्छा जी, ये इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नजर आ रहा है, कौन सी रीडिंग मिल रही है ये भी देखना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट मिल रहा है? ये 8 वाला पॉइंट मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? 8 वाला। तो आप क्या करें कि ये देखें, ये 8 वाला पॉइंट मिल रहा है, मैंने जहाँ पे निशान लगाना चाह रहा हूँ ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप क्या लिखें? 8। और इसको लीस्ट काउंट से जरूर दे दें, LC, चलो लीस्ट काउंट। तो ये हमारे पास क्या होगा? 8 × लीस्ट काउंट कितनी है? 0.01। तो ये हमारे पास कितना आएगा? 0.08। बेफिक्र है, ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है वहाँ लैब में पड़े हुए हैं, मैंने तो देखा किसी में एरर नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बुक में दिया है तो इसलिए आपको समझाना भी जरूरी है, ठीक है। इसको हम नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। ये इतना आगे चला गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें से इसमें प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? ये प्लस कर देंगे हमारे पास, लेकिन हम लिखते हैं इसको नेगेटिव है, ये नेगेटिव में चला गया, हमने ऐड कर रहे हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। क्या कर हो जाए? बैलेंस हो जाए जी। और कोई बात आपने पूछनी है इसमें? हाँ जी बच्चों, जब आप रीडिंग ले लेंगे तो ये आपको पता है कि इसमें एरर कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो आप कर देंगे। जी बच्चों, कोई पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चों जी, सबको पता चल गया? बोलते नहीं भाई, यस सर। और भी कोई जिसको नहीं पता चला पूछ सकते हैं यार, सर मैंने सर मैंने करने पूछना की था, क्या जरूरत है। जी बेटे सर मैंने पूछना था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, पूछे बेटे। सर ये जो सर ये एक तो सेंटीमीटर है, उसके पीछे जो 0 5 10 है वो सर मिलीमीटर से है ना। हाँ, लेकिन हम सेंटीमीटरों में ही इसको वो कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। सर वैसे हम इससे ये जो स्केल है ये जो बना हुआ है इससे क्या क्या नापते हैं इससे बहुत सारी चीजें नापते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो सर? जिसमें सर आप। ये वैसे साइंटिफिक स्केल है। हाँ, साइंटिफिक है ये, जितने भी इंजीनियर या मतलब जो टूल बनाती हैं दुकानें वगैरह, वहाँ यस सर, वो जो टूल पे वगैरह बनाना ये जो होता है है। ना आपको मिलेगा, और लोग इसको मैयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अभी मैं इसको जो है वो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप इसको देखें।
अच्छा ये कह रहा है कि कोई बड़ी ही कीमती प्रीशियसली मेयर हम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी ये दो जॉज है, एक ये नीचे है बड़ा जॉज है, ऊपर छोटा जॉज है। इंटरनल डायमीटर मालूम करने के लिए ये इसका स्केल होता है, जो वर्नियर स्केल है ये मेन स्केल। ठीक है, ये वर्नियर स्केल। ये फर्ज करें एक सिक्का हम मैयर करना चाहते हैं, तो इसको रखा। अब आपको पता है कि इसकी रीडिंग ले सकते हैं यहाँ से कितनी है। अब मैंने आपको काफी समझा दिया, फिर भी आपको जरूरत पड़े तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसकी जो रीडिंग यहाँ से मालूम कर सकते हैं, जो भी कंसाइड कर रहा हो मिल रहा हो पॉइंट को लीस्ट पॉइंट से मल्टीप्लाई करके 2.1 में जमा कर देंगे। समझ आए? जो पॉइंट मिल रहा हो कौन सा, 3 मिल रहा है तकरीबन मेरे ख्याल। ये देखें 3, अब 3 नहीं मिल रहा, ये 2.2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2.2 मिल रहा है। और ये इसको लीस्ट काउंट से जरब देंगे और ये 2.1 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास इसकी जो उसकी जो डायमीटर है वो आ जाएगा सिक्के का। ठीक है, समझ आया? ये हमारे पास जो है वो दोबारा दिखा रहा है इसको। ठीक है, तो आपने मैं इस जो इसने लिखा ना वो आपको समझ नहीं आएगा, जो मैंने आपको समझाया ना बस आप वैसे ही करें। ठीक है, समझ आया? क्लियर। अब हम इंटरनल डायमीटर मालूम करते हैं, तो ये जॉज इस्तेमाल करते हैं ऐसे। ये देखें, ये मतलब अंदर वाला डायमीटर मालूम करना है, बाहर वाला करना है तो ये फिर इस्तेमाल करेंगे। वो उसने ले लिया रीडिंग कितनी है, 8 8 कितनी मुझे पता नहीं चला, सर 7.5 7.1 है, ये 7.5 है। हाँ सॉरी, 7.5 थी, और फिर जो मिल रहा हो पॉइंट वो आप साथ लगा देंगे। ठीक है, अगर डेप्थ मालूम करनी है उसकी कितनी, तो पीछे वाला इस्तेमाल करेंगे पॉइंट। ये देखें, ये इसको अंदर इसके आप इंसर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और रीडिंग वही है, वहीं से ही लेनी है, रीडिंग इधर ही आएगी। ये देखें ये कितनी है, 4, ये 5 के ऊपर है तकरीबन। तो ये अगर आपने ऐसे इसकी लेंथ मालूम करनी है कितनी मोटाई है, तो फिर आप ये बड़े जॉज जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है जी, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा ये काफी। जी, इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लें। सर। वो जो डेप्थ मालूम करने वाला है वो सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या लिखा हुआ है वहां पे? ओ, वही रीडिंग तो उधर ही आएगी ना। आप ये देखें, डेप्थ मालूम करना, रीडिंग तो यहीं पे ही आएगी, वो बाहर थोड़ी आएगी, रीडिंग तो उधर ही ओके आएगी। ये जब इसको पीछे करेंगे वो पीछे से जो इसका वो स्ट्रिप है वो बाहर आ जाएगी। समझ आई? नहीं आई? यस सर, यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ आइए। क्या थोड़ा थोड़ा? ये इसको पीछे किया तो एक मिनट वो नजर नहीं आ रहा कहाँ पे है। ये देखें, ये आया ना। ठीक है, तो ये जब आप उसको एक मिनट पीछे करेंगे ये, तो फिर ये जब पीछे करेंगे इसको तो वो बाहर आएगी ना स्ट्रिप। हाँ समझ आ गई सर, अब समझ आई। ये देखें, ये अब आप नजर आ रहा है आपको कि ये जब आप जॉज को खोलेंगे वो स्ट्रिप बाहर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप उसके अंदर डालेंगे तो यहाँ से रीडिंग नोट कर लेंगे आप। रीडिंग इधर से ही नोट करनी है, वो सामने जॉज से ये वाली है। ठीक है, बात समझ आ रही है? आप चलेंगे, ये देखें, ये आप इसको इसमें इंसर्ट करेंगे तो रीडिंग ऊपर जो उसका जॉज थे ना ये वाले, ये देखें यहाँ से रीडिंग तो इधर से ही लेनी है आपने, रीडिंग यहाँ पे आएगी। ठीक है, क्लियर। चलो जी आगे चलते हैं। ये देखें आप इसका इंस्ट्रूमेंट मालूम इसमें है, रखेंगे तो ये तो अब आप कर सकते हैं। हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा इसकी रीडिंग कितनी है? जी मैं पूछता हूँ, आप हाशिम बताएंगे एंड्रेस की। नहीं सर, वो तो पहले का किया था पूछने के लिए। चलो अभी बता दो ना, अब इसके ऊपर सर ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपको खोलता हूँ। अब आप इसके ऊपर ही लिखें स्क्रीन पे भी कितनी है रीडिंग। जी, अब मैंने आपको खोल लिया, एनोटेट कर दिया, आप लिख सकते हैं इसको। ओके सर, 1 मिनट, वो ऑप्शन वो कर रहा था मैं। यस सर, आ गया आ गया। हाँ जी, कुछ भी नहीं लिखा है। सर वो एनोटेट एग्जिट हो गया था। सर ये सर वो कैसे करते हैं? और ये 0 से पहले देखते हैं कितनी रीडिंग है।
जीरो नहीं सर, वो मेरा एनोटेट नहीं खुल रहा सर, वो फिर गलत हो गया मेरे अच्छा से चलो एनोटेट। तुम ऐसे करो वैसे ही बता दो। ओके सर, ये सर ये 2 पॉइंट कुछ इतना है। क्या मतलब, पहले तो है 2.5 है, फिर कौन सी लाइन मिल रही है, ये मेरे ख्याल 3 मिल रही है, 3 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें जमा कर देंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अच्छा जी और कोई बचा, अब्दुल अजीज मैरियो जी बेटे आप बताएं, वो तो उसका माइक ही नहीं खुला हुआ। अब्दुल मनान सर लीस्ट पॉइंट हमेशा 0.01 रहता है क्या? लीस्ट पॉइंट लीस्ट काउंट हाँ हमेशा वो जीरो जब पॉइंट ये देखें ये जो स्केल नीचे नजर आ रहा है ना आपको, इसके ऊपर अगर 10 लिखा हुआ है ना तो 1/10 का मतलब है 0.01 मिलीमीटर है, फिर वो किसमें चला जाता है सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अगर इधर 20 लाइन भी हो सकती है तो आप फिर उसको 1/20 कर देंगे, लेकिन कम पे 20 होती है तो। अच्छा जी अब हम क्या करें कि कोई और बच्चा बताए जी। चलो ठीक है ये तो मेरे ख्याल आपको पता चल गया, आगे चलते हैं जी यहाँ पे। अच्छा जी इधर तो ये डिजिटल है वो खुद ही बता रहा है कि कितना है। अच्छा जी अब मैं, अच्छा इधर रीडिंग कितनी है ये तो मैंने पहले भी आपको बताई थी। कौन सा बच्चा है बात करना चाह रहा है, क्या है वलीद, क्या बात है बेटे वलीद? हेलो वलीद व्हाट इज प्रॉब्लम, तंग नहीं करें बेटे। अच्छा ये तो पहले भी आपको बताई थी कितनी है रीडिंग यहाँ पे, और भी कोई है? हाँ इसकी रीडिंग बता देंगे फिर मैं आगे चलता हूँ जी। कौन बताएगा? समीर फरीद आप बताओ बेटे। समीर फरीद सर 2.8 और हाँ 2.8, और ये सर सिक्स लाइन तो पॉइंट लगी हुई है उसे देख के बता दो। सर 5.9 नहीं ये देखें 5. हाँ 5.9, इसको लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे, ये पहले वाली जो रीडिंग होगी उसमें ऐड कर देंगे, ये वाली रीडिंग जो होगी ना जीरो से पहले उसमें क्या करेंगे ऐड कर, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल है आपको काफ़ी कुछ पता चल गया। अब ये कोई बता दे ये जो आ गया कितनी रीडिंग है इसकी, निशान भी लगे हुए हैं जी बच्चो। किसको? अब्दुल वहाब आप बताओ बेटे। अब्दुल वहाब जी बेटे बताओ, ये क्यों नहीं बताना चाह रहे, क्या आप अनम्यूट क्यों कर नहीं कर रहे अब्दुल वहाब? चलो जी अनस खालिद ना करो, अनस खालिद, अनस खालिद कल मैं इंटर नहीं होने दूंगा फिर क्लास में, ये मैं पहले बता दूं। जो बच्चा अनम्यूट नहीं करता ना मैं नेक्स्ट वीक उसको इंटर नहीं होने दूंगा क्लास में। हाँ जी बताएं जी ये कैसे है रीडिंग क्या है, वो निशान भी लगे हुए हैं। हाँ जी सर। हाँ सर सलाम कुम जी, वालेकुम सलाम सर। ये काउंट करना ही है रेड ये निशान से और ये 6 तक। अच्छा हाँ जी कितनी रीडिंग है? अभी जो बच्चा नहीं अनम्यूट करेगा ना मैं उसको जो है ना अगले दिन इंटर नहीं होने दूंगा, मैं पहले बता दूं। हाँ जी जीरो से पहले रीडिंग लेनी है मेन स्केल, कितनी है 0.3, कितनी है 0.3, फिर इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ ये 6 लाइन मिल रही है तो 6 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देना, तो ये आया जी। ये पहले तो ये मेन स्केल रीडिंग देखनी है आपने 0.3, ठीक है, और प्लस ये लाइन 6 मिल रही है इसको लीस्ट काउंट कितना है 0.01, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आंसर आप आगे लिख लें। इतनी सी बात है, पहले मैंने कहा है जीरो से पहले जो रीडिंग है वो लेनी है और जो लाइन मिल रही है उसको लीस्ट काउंट से ज़रब दे देनी है तो वो आंसर आ जाएगा, ऐसी कौन सा मसला है इसमें जी बच्चो? अनस खालिद आप बताएं, ठीक है ये वही है अनस खालिद जी सर। हाँ जी जी ठीक है जी जी
अब्दुल वहाब फिर नहीं, ये अनम्यूट नहीं होने दे रहा। अब्दुल वहाब, नहीं तो मैं आपको निकालने लगा हूँ। अब्दुल वहाब, चलो आया फिर, रिमूव रिमूव कर दूं फिर तुम्हें। अब्दुल वहाब एलेवे जा, बात तो करें ना बेटे, टीचर से बात करें। मैं अगर आपको नहीं आता मैं समझाता हूँ, आप बात ही नहीं करना चाह रहे। जी हाशिम क्या कह रहे हैं? सर हाशिम मैंने वो पूछना था, तो सर ये दूसरे लेफ्ट वाली साइड पे 0.3 बन रहा है, तो सर ये हम राइट साइड पे 6 क्यों ले रहे हैं? वो जो है 6 वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से मिल रही, जो लाइन मिलेगी वही आप लेंगे। 6 सर वाली कैसे? है ये, देखिए ये 6 वाली मिल रही है या इससे पहले वाली मिल रही है, 5.9 मिल रही है। कौन सी मिल रही है? ऊपर वाली लाइन से मिल रही है ना, ये मेन स्केल है। ये नीचे जो है वर्नियर स्केल है, अभी तक आपको पता नहीं चला ये क्या है, वर्नियर स्केल है। ठीक है, क्लियर? ओके सर। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ कॉपी कैसे बनानी है। प्रैक्टिकल की कॉपी में क्या होते हैं, दो आपके पास पेज होते हैं। एक पेज जो है वो ये, चले जी दो पेज इसके बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो एक तो ये वाला पेज है, ठीक है, एक ये दूसरा पेज है, ठीक है। और इस पेज पे आप पेन से लिखेंगे, किसे लिखेंगे? पेन, बड़ा इसलिए लिखता हूँ आपको याद रहे। इस पे लिखेंगे पेंसिल, किससे लिखेंगे? पेंसिल से, ठीक है, ये ख्याल करना है, क्लियर? एक पे पेन से लिखना है, एक पे क्या लिखना है? पेंसिल से, ठीक है। और सबसे पहले इसमें आपने एक्सपेरिमेंट का नंबर लिख, नाम लिखना है ऊपर पेंसिल से, अस्सलाम एक्सपेरिमेंट। वालेकुम सर। सर ये नोटबुक में लिखना है? हाँ, प्रैक्टिकल कॉपी कल मैं लिख के लाऊंगा, आपने उसको लिखना है। लेकिन अभी आप प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं खरीदेंगे, हो सकता है, मैंने पहले भी कहा है कि आपका स्कूल खुल जाए और आप जो है वो क्या हो कि यानी हो सकता है भी छुट्टियों के बाद खुल जाए, गवर्नमेंट इजाजत दे दे, तो बल्ले मैं आपको बल्ले वहीं पे प्रैक्टिकल कॉपी में समझाऊंगा भी क्या लिखना है। लेकिन अभी मैं ये सारा लिख के लाऊंगा कल, आपने वैसे ही किसी कॉपी पे लिख लेना है आपने, कोई और कॉपी पे। नहीं हम लोग प्रैक्टिकल की कॉपी ले लें अपना नहीं सेंटर अभी ना से। ले, अभी ना ले, अभी ना ले। तो ओके सर, नोटबुक में नहीं लिख। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यहाँ आएगा, पहले पेंसिल से ऊपर ऊपर लिखेंगे, ये तो मैंने पेंसिल लिख दी। फिर आप लिखेंगे अपरेटस, क्या लिखेंगे? अपरेटस, ठीक है, ठीक है जी। अपरेटस भी क्या क्या हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, वर्नियर कैलिपर की डायग्राम, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन लिख कर करना शुरू करेंगे। उसमें पहले इसमें लीस्ट काउंट लिखेंगे क्या है सबसे पहले, फिर अगर पेज खत्म हो गया, जैसे यहाँ खत्म हो गया, तो अगले पेज पे जाएंगे, ना कि ये दूसरी साइड पे लाइनों वाला पेज है इस पे लिखेंगे। इधर पेंसिल लिखना है, इधर प्रोसीजर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोसीजर, तरीकेकार आपने क्या अख्तियार किया, इधर लाइनें लगी होंगी सारी, ठीक है, क्लियर? और अगले पेज पे आप फिर क्या करेंगे कि टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? टेबल, और फिर फार्मूला लगाएंगे, और वो सारा कल मैं लिख के लाऊंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपका एक प्रैक्टिकल भी मुकम्मल हो जाए। क्योंकि अभी आपको मेरा ख्याल है कि रीडिंग कैसे ली जाती है पता चल गया, क्या है? पता चल गया रीडिंग कैसे ली जाती है, ठीक है जी। अभी कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं। सर वैसे ये क्या कहते हैं सर, अपनी नीट कॉपी में लिख ले। ये वाला नहीं, वो तो मैं अभी कल लिख के लाऊंगा तो लिखेगी, ये तो आपको समझा रहा हूँ ना वैसे कि ये, ओके सर वो बस मैं वैसे ही पूछ रहा था। हाँ वो जो कल मैं लिख के लाऊंगा ना वो आपने लिखना है, और कोई जीरो एरर है तो आपने उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं तो आप जीरो एरर लिखेंगे, जीरो तो उसमें करेक्टेड वैल्यू में बस जीरो लिख के आगे वही लिख देंगे वैल्यू, ठीक है जी। ओके ओके सर। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच, सलाम अलैकुम।
सर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।